If you have visited to our channel for the first time, don't forget to click on subscribe button and also check on the bell icon to get notified for our upcoming videos. Hello friends, I welcome you all once again to Hackpedia, and this is the third episode of Android Productivity App List. So, as I told you that I will keep repeating this series of episodes with new applications, so here we have it, the another one. ओके गाइस, तो यहाँ जो सबसे पहला एप्लीकेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन और आपकी प्रोडक्टिविटी इस तरह इंक्रीज करेगा जो कि आप देख रहे हैं. क्या? जी हाँ, ये कीबोर्ड ही है वो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन. ये किस तरह से अलग है जरा देखिए. इस एप्लीकेशन कीबोर्ड का नाम है फ्लेक्सी. इसमें गिफ्ट, थंबनेल्स, गिफ्ट स्टिकर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट की गई है. बहुत ही ब्यूटीफुल, वेल डिज़ाइंड एप्लीकेशन है. और वो किस तरह का, ज़रा ये देखिए. अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं ऊपर किसी भी वर्ड में, तो आप एक बार इसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे, ये पूरा डिलीट हो जाता है. तो इसमें आपकी टाइम सेविंग हुई. आप इसी तरह से कोई सा भी टाइप, जितना भी आपका डेटा है, जो भी कुछ भी आप उसे एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको बार बार क्रॉस नहीं दबाना या सिलेक्ट ऑल करके आप कर सकते हैं. वैसे मुझे पता है, लेकिन फिर भी जैसे ये रहा, मैं यहाँ ये खोलता हूँ. अब ऐसे करते ही ये पूरा एक एक वर्ड डिलीट हो जा रहा है. हमें मैनुअली कोई सा भी डिलीट नहीं करना पड़ा. और अगर आप इसे दबा के रखें तो सुनिए, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ लिखा है हेलो, कर दिया डिलीट. अब हेलो, व्हाट्सअप गाइस, या अगर मैं इस पे गलत कर दूं और नीचे स्वाइप करूं तो ये ठीक हो जाता है. ऊपर करने पे वापस ये अंडू हो जाता है, नीचे करने पे ये करेक्शन कर देता है. तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं इसके शॉर्टकट्स कितने अच्छे हैं. स्वाइप अप में अंडू, नीचे करने पे ये टेक्स्ट ठीक कर देता है, और लेफ्ट स्वाइप करने में आपका ये डिलीट कर देता है. राइट करने में कुछ नहीं होगा, आपका डिलीट के बदले एक स्टॉप बटन आएगा जो आप वैसे भी मैनुअली डाल सकते हैं. तो ये है वो छोटा सा एप्लीकेशन जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा. अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सबको आदत है गूगल कीबोर्ड की या फिर स्विफ्ट कीबोर्ड की या काफ़ी सारे कीबोर्ड की. इसमें वैसा फीचर नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं कि यूं ड्रॉ करूंगा मैं हो जाएगा, ये उस तरह का एप्लीकेशन नहीं है. लेकिन ये फास्ट है, जिस तरह का आप टाइप करना चाहते हैं ये तुरंत रियल टाइम में बस और एक स्वाइप में डिलीट. So I hope you guys enjoyed this tutorial, this application. This is the best productivity application app which I almost prefer you all to use it. So this is my humble request that to switch to this keyboard now and enjoy this productivity. I hope you guys enjoyed this video. If you do, don't forget to smash the like button, and for more tips, tricks and hacks, subscribe my channel if you didn't yet. And I will see you guys in the next one.